ऑक्सीजन, हवा ऑक्सीजन, हीट गर्मी, तीसरा फ्यूल मतलब ईंधन, तीन चीज चाहिए आग लगने को। तीन चीज में से अगर तीनों चीज मिला तो ही आग लगेगी, नहीं तो आग लगी ही नहीं। या तो जलती हुई आग में से ये तीनों चीज में से एक चीज हम लोग निकाल लेंगे तो आग बुझ जाएगी। ये बेसिक है आग का, एक फॉर्मूला है, हीट ऑक्सीजन और फ्यूल, ठीक है। ये तीन चीज में से एक भी चीज अगर नहीं रहेगी तो आग लगेगी नहीं। या तो जलती हुई आग में से ये तीन चीज में से एक चीज निकाल लेंगे हम लोग तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। और हमारे में से यहाँ पे बिल्डिंग में क्या होता है ज्यादा, अपने को जलने वाली चीजें क्या होती है ज्यादा से ज्यादा, घर में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, एलपीजी सिलेंडर है, लाइट से हो सकता है, सिलेंडर से हो सकता है, या अगर घर पे कोई नहीं है अगरबत्ती से हो गया है, कुछ दिया जल रहा है उससे हो जाता है। तो हम लोग को थोड़ा बहुत सेफ्टी से भी काम करना है, थोड़ा बहुत सतर्क रहना है और कुछ नहीं। थोड़ा एक हम लोग अपने तरीके से सतर्क रहेंगे तो सेफ्टी से काम करेंगे तो थोड़ा काफी हद तक हम लोग आग बचा सकते हैं। और ये सब तो बेसिक चीजें हैं, ये छोटी आग के लिए, कभी भी ये आपको बड़ी आग से नहीं बचाएगी। एक्सटिंग्विशर एक बेसिक चीज है, आग कभी भी लगती है तो स्टार्टिंग में छोटी ही लगती है, आग कभी भी लगती है स्टार्टिंग में तो छोटी ही लगती है, बाद में बड़ी लगती है, ठीक है। तो ये एक्सटिंग्विशर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फायर में क्या होता है ना, फायर में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, फायर में एक क्लास रहता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इसलिए उसको है ना एबीसी एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, इसलिए इसको एबीसी एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ए क्लास में क्या होता है, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसको ए क्लास में आ जाता है, अलग अलग क्लास दे दिया है। बी में जैसे लिक्विड वाला आग लग गया, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैसलेट, घर में कुछ पड़ा है या फिर गाड़ी वाला आग, ये हो गया। सी क्लास में इलेक्ट्रिक फायर आ जाता है, ठीक है, जैसे एलसीडी स्क्रीन हो गया, मॉनिटर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिक फायर हो गया, कोई भी मीटर रूम हो गया, आग लग गई। तो ये एबीसी टाइप का एक्सटिंग्विशर क्या करता है, तीनों क्लास के फायर में काम आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये तीनों क्लास के फायर में आप लोग यूज कर सकते हैं। अब ये आपके हर एक फ्लोर पे शायद मुझे बताया गया, इंस्टॉल किया है शायद, तो आपको बेसिक चीजें तो यही है कि आपको कभी आग दिखी या ये, पहले तो आपको देखना है कि मैं आग वो बुझा सकता हूँ या नहीं बुझा सकता। ये जैसा था मैं पहले वैसे कर देता हूँ, फिर आपको तो स्टार्टिंग में कैसे यूज करना है वो समझ आ जाएगा। तो ये ऐसे ही होता है, इसका एक रूल है पास, पी ए एस एस, पीछे क्या करना है आपको, इसको पुल करना है, पुल मतलब इसको खींचना है ऐसे, ये पिन आप ऐसे खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। पिन के निकलते ही ना ये आपका ये निकल जाएगा, ये येलो वाला, ये येलो वाला निकलने से क्या होगा, ये आप दबा सकते हो, नहीं तो वो दबेगा नहीं, ठीक है। पिन के साथ लॉक भी रहेगा ना उसमें, नया में तो, हाँ नए में एक पीला कलर का टैग रहेगा, वो बहुत इजी लॉक है, वो आप खींचोगे तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। वो इस सेफ्टी के लिए थोड़ा दिया है ताकि कोई भी बच्चा या तुरंत बिना मतलब के ना खींच ले, इसके लिए वो एक सेफ्टी के लिए दिया है, ठीक है। तो पी से आपको पुल करना है, इसको पिन को निकालना है, ए से एम करना है, ठीक है, ए से एम करना है फायर की तरफ। हाँ, अगर हरे पे है, लेफ्ट साइड में हरे पे है तो मतलब ये प्रेशराइज्ड है और ये यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गया है, मतलब रेड पे आ गया है, मतलब ये इसका प्रेशर डाउन हो चुका है या फिर ये खाली हो चुका है या फिर इसका प्रेशर खत्म हो चुका है, तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको कभी भी इमरजेंसी में आप कहीं बाटला लेके जा रहे हो आग बुझाने, तो सबसे पहले इसको एक बार देख लेने का, ये मेरा बाटला जो मैं आग बुझाने जा रहा हूँ ये सही काम का है कि नहीं। इससे अच्छा हम उसको अप टू डेट रखेंगे ना, ऐसे आपको स्क्वीज करना है ये बटन, और एम कहाँ करना है, आग की बेस पे, जहाँ आग जल रही है उसके बेस पे नीचे, ठीक है। वहाँ पे आप अगर प्रेस करोगे तो वहीं पे प्रेस करके फिर बाद में स्वीप करना, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आपको ऐसे स्क्वीज करना, ठीक है, ऐसी आपको यूज करना। आप में से कोई भी आके ट्राई कर सकता है। आग की बेस पे, और इससे आप 10-8 मीटर या 5-4 मीटर तक, 5 मीटर तक दूरी बना के भी आप इसको मार सकते हो, ठीक है। आग के एकदम करीब जाके नहीं मार, अभी यूज किए रहोगे तो इमरजेंसी में यूज कर दूंगा।
नीचे नीचे डाउन करो नीचे बस बस जमीन के ऊपर नीचे बुझ गया समझ लो होली में।